हेलो, वापस आ जा। अजय भाई, जिंदगी तो ये अमीर लोग जी रहे हैं, नहीं? बोल तो तू सच ही रहा है, जिंदगी तो ये अमीर लोग ही जी रहे हैं, हम तो बस जिए जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। क्या बात है अजय भाई, आप खुश नहीं हो क्या? अरे खुश होने जैसा है क्या हमारी लाइफ में? तू ही बता, तू खुश है अपनी लाइफ से? हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप खुश क्यों नहीं हो यार? हमारी लाइफ में है ही क्या? देखो भाई, आपका पता नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में तो सब कुछ है। मनीषा है, माँ बाप हैं, फिर मनीषा से शादी हो जाएगी, फिर दो छोटे छोटे बच्चे होंगे। हे विष्णु, विष्णु कहाँ खो जाता है तू? क्या अजय भाई, कितना मजा आ रहा था। वैसे एक बात बताऊं भाई, मैं खुश हूं कि तू खुश है? क्या बात है अजय भाई, आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो यार। स्नेहा जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड है, एक प्यारी सी माँ है, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो। मेरी बात मानो, स्नेहा से शादी कर लो, ये टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अच्छी नौकरी, मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? क्यों, एक प्राइवेट चिटफंड कंपनी में 25,000 की नौकरी को तू अच्छी नौकरी बोलता है? साला 3 साल से घिस रहा हूँ इस कंपनी में, फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं। मैं भी तो वही जॉब कर रहा हूँ ना, उतनी सैलरी मेरी भी है, जब मैं खुश रह सकता हूँ तो तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? छोड़ यार, तेरी सोच अलग है। अच्छा हाँ, तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना है ना? हाँ बनना है मुझे बड़ा आदमी। यार थक चुका हूँ इस लाइफ से मैं, मुझे भी एक लग्जरियस लाइफ चाहिए यार। एक बंगलो चाहिए, कार चाहिए, और हाँ एक फार्म हाउस भी चाहिए। 25,000 की सैलरी में आपको फार्म हाउस भी चाहिए? गुड। पता नहीं आप क्या समझाना चाह रहे हो, लेकिन अजय भाई इतना जरूर समझता हूँ कि जिंदगी की सारी खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। देख भाई, तेरी सोच अलग है और मेरी सोच अलग। हाँ शायद, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमीर लोग ही खुश होते हैं? आपको पता है इन लोगों को कितनी टेंशन होती है, रात को सो नहीं पाते ढंग से। देख भाई, मैं हम मिडिल क्लास लोगों को देखा है तूने कभी? हम लोग भी कहाँ सो पाते हैं, और वैसे भी मैं अमीर बन के टेंशन लेना पसंद करूंगा बजाय इस मिडिल क्लास लाइफ के। आपको बॉस की हालत याद है, जब उसने वो दुबई वाले बंदे को 50 करोड़ का लोन दिया था, मरते मरते बचा था, हार्ट अटैक आया था उसको जब वो बंदे ने उसको पैसे वापस नहीं किए थे। आपको लगता है कि पैसों की वर्थ लाइफ से ज्यादा है? मेरे लिए इसी पैसे की वर्थ है, समझा भाई? जिंदगी से बढ़कर, सबसे बढ़कर। अजय भाई, स्नेहा ने सही कहा था, तुम पागल हो गए हो। देखो भाई, मैं तो छोटा आदमी हूं, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता हूं। मेरी लाइफ में मनीषा, माँ बाप और मेरे होने वाले बच्चे, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है भाई। मुझे नहीं बनना तुम्हारी तरह अमीर। पर मुझे बनना है अमीर, मुझे माँ की हर तकलीफ दूर करना है, उनके हर सपने को पूरा करना है, और स्नेहा को एक लग्जरियस लाइफ देनी है। तभी तुम स्नेहा से बात नहीं करते हो शादी के लिए, उसके पेरेंट्स के पास जाते नहीं हो इसलिए। किस मुँह से बात करो उसके बाप से मैं? अरे इसी मुँह से करो ना, थोड़ा ये दाढ़ी निकाल लेना, अच्छी शर्ट पहन लेना। भाई मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, और वैसे भी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब बात कर लूंगा मैं उनसे। अच्छा ये बताओ, कुछ सोचा है कैसे बनोगे अमीर आदमी? सोचा है ना। क्या वो बैग देख रहा है? उस बैग को लेकर भाग जाऊंगा। अजय भाई आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहा हूं। अजय भाई बॉस मार डालेगा हमें, नौकरी भी जाती रहेगी। पड़ गए साले। अजय भाई प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो, एक बार को जान निकल गई थी मेरी। बॉस को जानते नहीं हो तुम, इतना आसान नहीं है पैसे लेके भागना, पैसे लेके भाग जाएंगे। अजय भाई ये जो अमीर गरीब होते हैं ना, ये सब किस्मत लेके पैदा होते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, किसी चाय वाले पर रुको, चाय पीते हैं। जान निकाल दी थी तुमने, देखो वो चाय की टपरी दिखी। ठीक है, अरे बस बस बस।
निराला ढाबा, वेज एंड नॉन वेज, ऐसा खोल लेते हैं हम भी। ये रोज रोज नोटबोर्ड पहुंचाने का तो बढ़िया ही काम है यार। अरे चाचा, हाँ जी, चाय बनाओ ना। जी हाँ। कैसे गुंडागर्दी मचा रहे हो भाई, इसी से ले लेते। अब तो ले लिया यार। बस 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 बस, हाँ लीजिए, ये ले। मजाक नहीं कर रहा भाई, सोच के देखना, अपना ढाबा होगा भाई बड़ा। ये भाई जो काम कर रहे हैं पहले वो कर ले। कल चल क्या रहा है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल। बोलो क्या चल रहा है आजकल? तुझे तो सब कुछ पता है, तू क्या पूछ रहा है यार? यहाँ से कितना दूर है आपका ये वो? मुझे कैसे पता होगा। चलो फिर जल्दी चाय खत्म करो, चलते हैं। कितना हुआ चाचा? जी 10 रुपया। जो बचेगा ना आप रख लीजिएगा। जी धन्यवाद। चलो रास्ता मालूम है ना आपको, कितना दूर है उनसे पूछ के आना। चलो फिर मैं पूछ के आता हूँ। अरे चाचा। हाँ जी। सिंधुआ कितने दूर है यहाँ से? 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का रास्ता है? हाँ। कोई और रास्ता नहीं छोटा पड़े जो? आगे कच्चा रास्ता से निकलेंगे तो 1/2 घंटा लगेगा। ठीक है। क्या बोला? बोल रहा 1 घंटा लगेगा, कोई कच्चा रास्ता है आगे से, वहां से 1/2 घंटे। ये कहाँ रुका है जय भाई? चल थोड़ा हल्का होके आते हैं। चलो हो लेते हैं हल्का, वैसे जगह मस्त है ये। वो पहाड़ देख रहे हो जय भाई? वहां बनाऊंगा बड़ा सा घर जिसमें मैं और मनीषा रहेंगे और 2 होंगे बच्चे जो तुम्हें चाचा चाचा कह के बुलाएंगे। बस अभी हम कर क्या रहे हैं? बॉस का पैसा यहां से वहां, वहां से यहां, कुछ बड़ा करते हैं यार। नहीं कुछ अपना खुद का होगा ना तो मजा आ जाएगा, खुलकर करेंगे मौज। मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू, आए रुतम सतानी कब आएगी। अजय भाई जल्दी चलो, वो मीर चंदानी चिल्लाएगा फिर। क्या टेंशन है अजय भाई, अगर थक गया हो तो मैं चलाऊं। ले। चलो ना। अरे आओ ना। क्या हुआ अजय भाई? अजय भाई कुछ टेंशन है तो बोलो ना, क्या हुआ है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई। अभी पागल मत बनो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। बात सुनो। मुझे माफ कर दे भाई। अच्छा भाई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा भाई मेरी बात सुनो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो पागल हो गया। कोई इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है।